वेलकम बैक टू माई चैनल पाइनएप्पल रश्मि। और जो मेरा लास्ट प्रेगनेंसी का वीडियो था उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया और काफ़ी अच्छे फीडबैक सजेशंस दिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज गोल्डन वर्ड्स। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने वाली हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स देने वाली हूँ। ये सब स्टार्ट करने के पहले मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है। आप खुद से सोचो एंड यू थिंक अबाउट इट वेदर यू आर एम्पावर्ड और नॉट। आप छोटे लेवल पे सोचो, ठीक है, आप घर में हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग लेडी हो, क्या आप एम्पावर्ड हो? आप अपने डिसीजंस खुद बना रहे हो, खुद ले रहे हो, या आपके ऊपर अगर प्रॉब्लम्स छोड़ दी जाएँ तो क्या आप उनका टेक केयर कर सकते हो? क्या आपके पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हैं? थिंक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि हम सोसाइटी से मांग रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं कि हमें एम्पावर करो, लेकिन क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें एम्पावर होने से रोक रही है ना? आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम खुद से कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने आप को एम्पावर होने के लिए। क्योंकि इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने भी बहुत जिनको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, दे वर्क। ठीक है, मैं अपने आप को एक एम्पावर वुमेन कंसिडर करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो कोई और लेता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स समवेयर कुछ भी है, थोड़ा भी परसेप्शंस आपके चेंज करेंगे। और अगर आप फीमेल हो तो कहीं ना कहीं प्लीज़ इसको ट्राई टू अप्लाई ऑन दोज एरियाज वेयर यू थिंक दैट नहीं, मेरा वाला जो पॉइंट है वो तो मतलब कवर नहीं किया जो मुझे लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स बनाए ना, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो somehow will cover your concern, okay? तो start करते हैं। तो मेरा पहला जो point है वो है keep polishing and upgrading your talents। देखो, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ special चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे talents होते हैं। कोई cooking बहुत अच्छी कर लेता है, कोई painting बहुत अच्छी कर लेता है, कोई dance बहुत अच्छा कर लेता है, similarly sketching, drawing, there are lot of things। यार उस talent को कभी भी ना छोड़ना मत, चाहे कैसी भी situations हो। make sure कि आप 24 आवर्स में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स उस पैशन को, उस ये जो आपकी USP है ना, ये जो आपकी यूनिकनेस है, आप इंश्योर करो कि आप उसको अपना 5-10 मिनट ही ले सही, लेकिन आप दे रहे हो, ठीक है, उसको छोड़ना मत। एंड कोशिश करो कि कीप अपग्रेडिंग इट, ठीक है। जैसे मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत शौक है, एप्टीट्यूड एंड ऑल दैट थिंग, रीजनिंग, ये सब चीज़ें मुझे पसंद हैं तो मैं उनको करती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे डांसिंग का शौक है, वो भी मैं मतलब आई मेक श्योर कि मैं अपने इस शेड्यूल में से भी निकाल के करती हूँ। मतलब व्हेन आई एम सो बिजी कि विद द किड, विद द यू नो ऑल द ये पैंडमिक सिचुएशंस में आपको घर का भी सब काम करना पड़ रहा है, सब भी करना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आई मेक श्योर कि मैं इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालती हूँ, ठीक है। तो आपको भी ये करना है, इन चीज़ों से जुड़े रहो जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपके अंदर एक खूबी है। अगर आप उससे पल्ला झाड़ लोगे या आप उससे डिटैच हो जाओगे तो फिर आपके अंदर बचेगा क्या? तो ये नहीं करना है। आप मेक श्योर दैट योर पैशन इज अलाइन। सो मेरा सेकंड पॉइंट है नो योर प्रायोरिटी। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए एज पर आर कॉमन सेंस। और हमें प्रायोरिटीज़ के बीच में शफल करना पड़ता है। आप शादी कब करना चाहते हो, बच्चा कब करना चाहते हो, ओके, तो ये भी आपके, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। डू इट एज पर योर कंफर्ट जोन, एज पर योर कॉमन सेंस कि नाउ आई एम रेडी। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जिसके बीच में हमें टाइम टू टाइम चूज़ करना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो है फैमिली और करियर। तो इसे अपने कॉमन सेंस के हिसाब से चूज़ करो। अगर आपको लगता है कि अपनी अभी मेरा करियर सही है, स्टेबल चल रहा है, अभी मुझे मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, करियर बैक सीट जा सकता है और फैमिली फ्रंट सीट पे आती है। सिमिलरली कभी कभी हमको फैमिली को बैक सीट करके करियर पे फ्रंट सीट लेना पड़ता है। तो ये अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए समय। सो मेरा थर्ड पॉइंट है नॉक डाउन ऑल द सोर्सेज ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ से आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो अभी इसी वक्त, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते उन नेगेटिव चीज़ों को लेकर। फोर्थ चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो सोर्सेज ऑफ नेगेटिविटी हैं, वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। वो है पीपल, प्लेस, योर हैबिट एंड योर पास्ट। तो पीपल में कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पीपल जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, मेक श्योर डेट उनको एक ऐसी प्लेस पे रखो अपनी लाइफ में जहाँ उनकी बातें आपको मैटर ना करें। मेंटेन अ हाई वाइब विद देम।
सेम विद रिलेटिव्स, ये आपको कम्प्लीटली इट्स अप टू योर जजमेंट कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, लेकिन आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि हमें उनसे दूर जाना है, या वी हैव टू मेक अ सेफ डिस्टेंस विद दोज काइंड ऑफ पीपल जिनसे हमें निगेटिव वाइब्स आती हैं। सिमिलरली हैबिट में हमारी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या फिर हमें स्मोकिंग की हैबिट है, या स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, तो हैबिट कुछ भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि वो एक ऐसी हैबिट है जो आपके अराउंड निगेटिविटी क्रिएट करती है, तो प्लीज़ गेट रिड ऑफ दैट हैबिट, स्लो डाउन करो एंड धीरे धीरे गेट रिड ऑफ दैट हैबिट। कोशिश करो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट के बारे में तो कभी भी सोच के निगेटिव नहीं होना है, पास्ट इज़ पास्ट, उसको भूल जाओ, वो ख़त्म हो चुका है आपका, नहीं ठीक है, आगे बढ़ो, नहीं तो उसी मट के रह जाओगे और आगे कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, तो पास्ट वगैरह ये सब, पास्ट की जो निगेटिव थाट्स है दिमाग से निकाल दो, वो जगह प्लेस एनी प्लेस या ब्रिंग्स नेगेटिविटी इन यू उनसे भी गेट रिड हो जाओ, ठीक है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करिए एंड पॉजिटिव सिचुएशंस में रहेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। सो मेरा फोर्थ पॉइंट है किंडल योर ओपिनियन। ओके, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बी इट योर फैमिली, चाहे फैमिली हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपकी एक्सट्रीमली पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल लाइफ हो, मेक श्योर कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं और आप ये चीज़ें थोपी नहीं जा रही हैं, बल्कि आपके भी कंसेंट से चीज़ें हो रही हैं। ओके, घर में कोई चीज़ हो रही है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया गया है या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन है, सिमिलरली ऑफिस में अगर कोई पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं जिसका इफेक्ट आप पे डायरेक्टली पड़ने वाला है, तो मेक श्योर डैट आप उस चीज़ का पार्ट थे डिसीजन मेकिंग का, आप थी, आप अपने ओपिनियंस दे रही थी एंड विद अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट एंड विद अ प्रॉपर लॉजिक एंड यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। क्योंकि तब अगर आप लॉजिकली कोई चीज़ बातें करते हो तो लोग आपको सुनते हैं। मेक श्योर दैट योर पॉइंट इज़ आर्ग्यूएबल, आप वहाँ पे लोग आपसे क्वेश्चन पूछें तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए। इसके अलावा टेक चार्ज बहुत ज़रूरी है, दैट यू शुड नो हाउ टू स्पीक एंड यू शुड नो हाउ टू टेक स्टैंड एंड यू शुड नो हाउ टू लीड अ प्रॉब्लम एंड हाउ शुड यू नो गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, यू शुड टेल योर सेल्फ दैट येस आई कैन डू इट, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट अ वे। ओके, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही। सो जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई की पीपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारी एक वीकनेस भी होती है। ये की पीपल वो लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनके ओपिनियन फीडबैक्स आपके लिए एक्चुअली मैटर करते हैं। आइडेंटिफाई दोज की पीपल एंड प्लीज़ इंश्योर कि ये की पीपल कीप देम एज लेस इन नंबर एज पॉसिबल। अगर नहीं भी है की पीपल तो भी चलेगा, लेकिन मतलब हो सकता है आप खुद ही की पीपल हैं, अगर आपको खुद से लग रहा है कि यार मुझे करना चाहिए तो आप करते हो, लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि की पीपल रख दिया, ऐसा ये नहीं है कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल भी उनको ही दे दिया कि मतलब हम कैसेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे या सोएंगे, ये वो हमारे की पीपल ही डिसाइड कर रहे हैं। नो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो की पीपल लाइफ में जितने कम रहेंगे उतना आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी रहेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पेरेंट्स को भी रखा हुआ है की पीपल में, सिबलिंग्स भी हैं, फिर अपने कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, फिर बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड भी है, कलीग्स भी हैं, इतने सारे की पीपल हो गए हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई मना कर ही देता है या क्वेश्चन उठा ही देता है, रोक टोक हर चीज़, मतलब आपको फिर हर चीज़ मैटर करती है। तो फिर इतना लफड़े क्यों रखने हैं लाइफ में? अगर आप फ्रीडम चाहते हो, अगर आप एम्पावर होना चाहते हो, तो अगर आप अपनी एम्पावरमेंट का रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दोगे तो आप एम्पावर कैसे होगे? तो कहीं ना कहीं आपको ये सेंस होना चाहिए। मान लो कि आप कोई कपड़े पहनना चाहते हो या कुछ तरीके का मेकअप करना चाहती हो या कोई जॉब करना चाहते हो या फिर यही यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहते हो, यू योर सेल्फ आर कन्विंस्ड एंड योर दीज की पीपल आर कन्विंस्ड। अगर की पीपल भी कन्विंस नहीं है तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, लेकिन अगेन अपना रिमोट कंट्रोल उनको देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी को देना नहीं है, अपने ही पास रखना है उसको। इसके अलावा जो और लोग हैं, डोंट बी हेजिटेंट टू अदर्स, उनसे घबराने की या क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे उससे सोचने की ज़रूरत नहीं। ये तो आपके अंदरूनी चीज़ें हैं जो आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी खुद से, या आपको अंदर से लानी पड़ेंगी ये चीज़ें कि यार मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है और I have to do this। इसके अलावा पांच चीज़ें ऐसी जो अगर आपके पास हैं तो आप ऑलरेडी इम्पार्ट हो सोसाइटी में, वो हैं सबसे पहली चीज़ें आपकी योर एजुकेशन, योर इंटेंशंस, योर वैल्यूज़, योर कॉन्फिडेंस एंड द मनी। मनी अगेन हो सकता है कि थोड़ा मतलब आज के ज़माने में अगर आप प्रैक्टिकल हो तो मनी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन मनी तो फिर आप जॉब वगैरह करके भी कमा सकते हो, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये अगर आपके पास रहेंगी तो मनी अपने आप आएगा। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये दे आर अ स्मॉल गाइड फॉर यू टू एम्पावर योर सेल्फ
आप सोसाइटी से भी बोल सकते हो, सबसे बोल सकते हो कि मुझे इम्पावर करो, बट आप खुद को भी इम्पावर करो। वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन आर सेल्स। हमें अपना भी एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना भी जो एक परसेप्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं चीज़ों से लड़ने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो अपने आप को प्रूव करो। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने आप को इम्पावर कर सकें। अगर हम खुद ही अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल लेंगे तो हम लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें आगे बढ़ाएं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आपके बहुत सारे फीडबैक्स भी होंगे आई एम श्योर। तो प्लीज़ पास इट ऑन जस्ट लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। एंड So here's my baby. He started crying, so I had to bring it. Oh my god, he's so cute. Anyways, so he's awake, so I had to bring him in the video. I'm so sorry for that. Yeah, he's sleepy. Hey, say bye. Say bye. Give us my. So guys, thank you for watching and just let me know if you like this video or not.